क्लास फोर इंग्लिश फर्स्ट लेट अस नाउ रीड पेज नंबर ओपन योर बुक पेज नंबर 17 के मैं क्वेश्चन आंसर आपको समझा चुकी हूँ। इधर देखो पेज नंबर 17 ए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट हार्मोनीज मेकिंग देयर मीनिंग क्लियर। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इन वर्ड्स के एक वर्ड के दो मीनिंग निकलते हैं, दो मिनट बनते हैं, हमको यहाँ फिल करना है। आपको मैं समझाती हूँ। ही टर्न टुवर्ड्स राइट हैंड एंड कुड ईजिली फाइंड द राइट लोकेशन ऑफ द हाउस। वह अपने घर के सीधे हाथ की तरफ मुड़ा और जो सही लोकेशन पर उसके घर की जो लोकेशन थी उसने सही लोकेशन का पता लगा लिया है। फर्स्ट राइट यहाँ आएगा एंड देन सेकेंड राइट यहाँ आएगा। नेक्स्ट वन ही लेफ्ट हिज बैग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रूम बट वॉज सर्चिंग इन द राइट साइड। उसने अपना जो बैग था वो लेफ्ट में रखा था, कमरे के लेफ्ट साइड ही रखा था, लेकिन वो राइट साइड में ढूंढ रहा था। ही कैन डांस वेरी वेल। वह बहुत अच्छी तरह डांस कर सकती है। दिस वेल वॉज ड्राइड। यह कुआं सूखा था। यहाँ ठीक है, अच्छा डांस करती है। यहाँ पर वेल मीन्स कुआं है। नो वन कम्स टू टेक वाटर फ्रॉम हेयर एनी मोर। इस कुएं में कहीं पर भी पानी नहीं आया। आई हैव ए 5 रुपी नोट। मेरे पास 5 रुपये का नोट है, रुपये हैं। शी कैन ईजिली नोट न्यू टर्म्स ऑफ एनी थिंग। ये नोट जो हैं आपके जो नोट्स बुक में नोट होते हैं वो वाले नोट हैं, ये नोट रुपया है। द बॉय रोज फ्रॉम हिज चेयर एंड वेंट आउटसाइड। लड़का अपनी चेयर से उठा और बाहर की ओर गया। द रेड रोज इन माई गार्डन इज माई फेवरेट फ्लावर। ये लाल गुलाब मेरे बगीचे में मेरा प्रिय फूल है। पहले में सीधा हाथ है और दाहिनी ओर मुड़ा है। यहाँ उसने अपना बैग लिया, बैग छोड़ा है और लेफ्ट साइड बाईं ओर गया है और वो दाईं साइड ढूंढ रहा है। यहाँ वेल मीन्स अच्छा, इस वेल मीन्स कुआं। ये 5 रुपये का नोट है और ये नोट्स वाले नोट हैं। रोज मीन्स उठा, इस रोज मीन्स यहाँ पर मीनिंग आया गुलाब। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, डू इन योर कॉपी एंड बुक। नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। जो स्टोरी आपने पढ़ी है उसमें से ही वर्ड्स छांट कर लिखने हैं आपको। ही वेंट टू अमेरिका टू परसुए PERSUE परसुए हिज हायर स्टडी। अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर वॉज स्ट्रीमिंग STEAMING स्ट्रीमिंग। द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड टू डेथ। ही वॉज सोबिंग SWBING सोबिंग। Inside the room, number 4, our parents have great expectation, EXPECTATION expectation from us. She wiped WIPED away the stains for the table and clean it. Turn our page, page number 18. ये मैं आपको दो समझा देती हूँ और फिर आपको अपने आप करने हैं। मेक द प्लूरल फ्रॉम द सिंगुलर नाउन। ऑल्सो चेंज द सिंगुलर इंटू पजेसिव नाउन यूजिंग एस। एस के आगे ऊपर कॉमा लगा हुआ है। सिंगुलर प्लूरल पजेसिव। सिंगुलर चाइल्ड एक वचन, बच्चा चिल्ड्रन बहुत से बच्चे, और पजेसिव में चाइल्ड्स एस लगा रखा है CHILD अपोस्ट्रोफी एस बच्चे का। वुमन ये वीमेन है प्लूरल और ये वुमन से अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। बफेलो बफेलोज यहाँ पर भी बफेलो का एस लगा, यहाँ पर ई एस लगा हुआ है। माउस हाउस वाइफ ग्लास बॉय चर्च डी और सेल्फ। नाउ लेट अस नाउ रीड ग्रामर ट्री। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज टू शो दैट एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस। वर्तमान काल में जो काम हो रहा है, एट प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है जो काम, वो हमको शो करना है। वी आर यूजिंग ING का प्रयोग करना है।
form of the verb and am, is or are helping verb. Is am are का प्रयोग करना है और उसके साथ ing लगानी है. The teacher is on the blackboard checking or writing. इसमें writing है, राइटर पर टिक मार करके यहाँ लिखना है. The tailor is the mending or stitching. Mending means मरम्मत करना, stitching means सिलना. Stitching STITCHING the clothes. The children are washing or eating the utensil. बर्तन खा रहे हैं कि धो रहे हैं, washing WASHING. We are cooking or washing the food. Cooking means बनाना, washing means धोना, तो cooking the food. Now next one, B. Fill in the blanks M, is or are. ये sentence दे रखे हैं, इसमें is am are का प्रयोग करना है. Is singular के लिए, are plural के लिए और am इसके साथ आता है. Understand? First, I am speaking. They are running. Anil and Maya are, क्योंकि यहाँ दो हैं, they भी बहुत सारे हैं, I में अकेला है, I के साथ am, they के साथ are, अनिल के साथ अनिल और माया आर टॉकिंग. सुमित इज फाइटिंग विद अमित. सुमित एक ही है इसलिए यहाँ इज लगाया है. द चिल्ड्रन आर एन्जॉइंग देयर मील. चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए यहाँ पर आर लगाया है. नेक्स्ट सी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इज टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको ऊपर भी मैंने समझाया था. ये जो लिखे हुए हैं सिंपल प्रेजेंट में लिखे हुए हैं सेंटेंस, आपको आई एन जी का प्रयोग करके और उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है. द प्लेयर्स प्ले, खिलाड़ी खेलते हैं. अब खिलाड़ी खेल रहे हैं, द प्लेयर्स आर प्लेइंग. आर और प्लेइंग लगाना है प्ले को हटा के. अमित राइट्स, अमित लिखता है. अमित इज राइटिंग, अमित लिख रहा है. आई डांस, मैं डांस करता हूँ. आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ. रीता स्लीप साउंडली इन ऑन द बेड. रीता इज स्लीपिंग साउंडली ऑन द लीप बेड. वी ईट, हम खाते हैं. वी आर ईटिंग. दे वॉच मूवी, वे मूवी देखते हैं. दे आर वॉचिंग अ मूवी. ये भी बहुवचन है इसलिए यहाँ पर आर लगाया है. नाउ लेट अस नाउ नीचे वाला, फिल इन द ब्लैंक्स. Listen the following sentences and supply to subject in each. यहाँ पर subject लगाना है. Grows food for us, हमारे लिए अनाज कौन उगाता है? Farmer, FARMER, farmer. Is the capital of India, भारत की राजधानी कौन सी है? Delhi, DELHI, Delhi. DELHI Delhi. देख रहे हो बच्चों, DELHI Delhi is the capital of India. Is the biggest land animal in the world. संसार में सबसे बड़ा प्राणी जमीन पर रहने वाला कौन सा है? एलिफेंट, ELEPHANT. नेक्स्ट वन, हेल्प अस टू सी, हम क्या देखने में कौन सी शरीर का अंग काम में करता है, मदद करता है? आइज, EYES, आइज. लास्ट वन, इज कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट. लायन, LION, शेर है जो जंगल का राजा है. अब आपको सारा वर्क मैंने सेंड कर दिया है, आप इसको कॉपी में करना है और बुक में भी फिल करना है. ओके.